भीषण गर्मी के चलते हर कोई पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। वहीं श्रीनगर में स्वीट गांव के अधिकतर परिवार अब भी गांव के अधिकतर घरों में पेयजल कनेक्शन तो लगे हैं, लेकिन नल से जल का एक बूंद भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जल संकट से जूझ रहे स्वीट ग्राम सभा के ग्रामीणों ने स्वयं ही गांव जल स्रोत का सहारा लेकर एक पेयजल लाइन गांव तक पहुंचाई, लेकिन इस पेयजल लाइन से अब मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे गांव में जल संकट गहरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति न होने से वो परेशान है। वहीं श्रीनगर जल संस्थान सहायक अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा ढिकवाल आसपास के गांव को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है और जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जिन्होंने घर में कनेक्शन लगाए हैं, तो उसमें जब से कनेक्शन लगे हैं तब से पानी आया ही नहीं कुछ घरों में। कुछ ऊपर के जो टंकी के नजदीक के घर हैं उनमें पानी आया है, लेकिन दूर वाले घरों में आया नहीं है। और जो कनेक्शन पहले से थे, गधेरे से जो कनेक्शन लगे हुए थे, उनमें नलों में पानी आता था, लेकिन बीच में जो है कि अब मिट्टी आने लगी उस पानी में, तो उस चक्कर में पीने का पानी की बहुत दिक्कत होने लगी है। तो जब से ये लाइन बिछड़ी थी तभी से हम इस मैटर को बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अब एक्शन साहब से बात हुई है, एक्शन साहब ने बोला है कि इसमें कार्रवाई करनी है। हाँ, ये स्रोत पुराने हैं, इसमें पहले से पानी आता था, लेकिन पानी साफ आता था, और जो कनेक्शन इन्होंने लगाए हैं उसमें पानी आ ही नहीं रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि पेयजल की दिक्कत हो रही है, पेयजल का पानी आ ही नहीं रहा। पेयजल आपूर्ति में जो है वो गंदगी आ रही है, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं उस गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि मैंने जो देखा है कि हमारा जो स्वीप गांव है उनकी अपनी ग्राम सभा की एक योजना है, तो उस योजना में अभी जंगल में जो आग लगी हुई है उससे कुछ गंदगी उसमें आई है, और ये लोग सफाई भी कर रहे हैं उसकी। तो जल संस्थान जिसको जलापूर्ति कर रहा है वो तो शुद्ध है नहीं, हमारे यहाँ तो पानी बिल्कुल शुद्ध मात्रा में चल रहा है आपका, और हम तो फिल्टर करके कई प्रोसेस से पानी को गुजारते हैं और तभी जाके हम इसकी सप्लाई करते हैं इस पानी को।